तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। राजधानी मुंबई के उपनगरीय इलाके गोरेगांव में पुलिस ने एक बच्ची के अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोप में 19 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना शुक्रवार को दोपहर हुई थी, जब 9 साल का बच्चा अपने घर से बाहर खेल रहा था। अधिकारी ने कहा कि आरोपी बच्चे को जानता था और उनके कथित तौर पर बच्चे को अपनी झुग्गी में बुलाकर अपने साथ दुष्कर्म किया। बच्चे ने बाद में घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, जो उसे लेकर पास के अस्पताल में गई और बांगुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया और उस पर भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधियों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि पिछले दिनों CBI ने कथित तौर पर 25 से 30 बच्चों का यौन शोषण करके उनके वीडियो डार्क वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीयों तथा विदेशियों को बेचने के लिए गोवा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। CBI को चित्रकूट में रहने वाले और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में इंजीनियर कथित बाल सेक्स प्रेमी के खिलाफ जांच के दौरान उसकी गतिविधियों के बारे में सुराग मिला। इसके बाद 22 जून 2020 को एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।